हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सब कैसे हैं आप? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कटिंग की वीडियो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने शोल्डर से पहले 7 इंच पे मार्क कर लेंगे और जितना शोल्डर लेंगे उसके हिसाब से ही हम अपने आर्म होल को मार्क कर लेंगे। 7 इंच लिया है और हमारी चेस्ट है 36 इंच, तो हम इसको 9 इंच पर मार्क कर लेंगे और चेस्ट से 6 इंच नीचे डाउन करके कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 8.5 है, तो हमने 8.5 ली है। 8.5 की 34 होती है, तो हम और हमारे हिप का हम मार्क कर लेंगे 9.5 इंच पर और इन तीनों ही निशानों को मिला देंगे। और इसके बाद हम 2-2 इंच की मार्जिन लेंगे। हिप पे से हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, चेस्ट पे से भी हम 2 इंच का ही मार्जिन लेंगे और हम तीनों निशानों को मिला देंगे। अब हम इसको आर्म होल की शेप के लिए गोलाई देंगे। ये देखिए 1/2 इंच अंदर से और बाकी शेप हम इसको अच्छे से गोल कर देंगे। ये देखिए 1/2 इंच अंदर से डाउन करके ही हम इसकी मार्क करेंगे। नीचे दामन में भी हम उतना ही मार्क करेंगे जितना हमने हिप में लिया है, तो दामन में भी 9.5 का मार्क करेंगे और उसके बाद 1.5 इंच इसको हम मार्जिन के लिए मार्क कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे निशान लगकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देखिए 9.5 हमारी चेस्ट थी, 9.5 38 इंच की हमारी चेस्ट थी और 34 की हमारी वेस्ट थी, कमर थी, और 38 इंच के ही हमारे हिप थे। तो हमने चेस्ट का पार्ट लिया है 9.5 और कमर का पार्ट लिया है 8.5 और हिप का पार्ट लिया है 9.5। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए जो हमने मार्जिन के लिए मार्क किया था हम उसी निशान पर कट करेंगे। और यहाँ से 1/2 इंच की शोल्डर की हम कटिंग कर देंगे, तीरे से डाउन करने के लिए 1/2 इंच की हम कटिंग कर देंगे। अब हम सेम निशान पीछे की साइड भी लगा लेंगे। आर्म होल में से 1/2 इंच हम डाउन कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए गाइस, हो गया हमारा सूट कटिंग रेडी। तो बहुत ही इजी मेथड्स के साथ मैंने आपको समझाया है। 1/2 इंच यहाँ से डाउन करेंगे तो 1/2 इंच ऊपर से डाउन करेंगे। ये हो गई हमारी सूट की कटिंग रेडी। अब ये सेम निशान हम पीछे की साइड भी लगा लेंगे फिटिंग के, ताकि हमें स्टिच करते वक्त निशान ना लगाना पड़े। अब हम इसकी स्लीव कट करेंगे। स्लीव के लिए हमने साइड से जो कपड़ा बचा था वो ले लिया है। अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा स्लीव के लिए 4 फोल्ड हो चुका है। हमें 3.5 इंच की स्लीव रेडी चाहिए, तो हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे मार्जिन के लिए और नीचे फोल्ड करने के लिए, तुरपाई के लिए। अब यहाँ से 2.5 इंच नीचे हम गोलाई का निशान लगाएंगे। ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से हमारी ये स्लीव रेडी हो जाती है। इससे बहुत ही आसानी से आपको स्लीव का निशान लगाने में हेल्प मिलती है। दोनों ही साइड से हम इसको बराबर बराबर निशान लगा देंगे और इसके अंदर से गोलाई करके शेप दे देंगे। ये देखिए, और 1/2 इंच इसमें भी डाउन करेंगे स्लीव में भी। मैंने इसमें 1/2 इंच का निशान लगाया है, आप देख ही सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी छटाई कर देंगे 1/2 इंच की। ये देखिए, ये हमारी स्लीव रेडी हो चुकी है। हम इस पर निशान लगा देंगे ताकि ये आगे की साइड आए स्टिच करते वक्त। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।